प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर खासे सक्रिय रहते हैं। अक्सर उनकी ट्वीट की हुई तस्वीरें चर्चा का विषय बन जाती हैं। शुक्रवार को भी पीएम मोदी ने कुछ ऐसी तस्वीरें ट्वीट की जिनको लेकर चर्चा शुरू हो गई। इन तस्वीरों में पीएम एक बुजुर्ग महिला के सामने बेहद सम्मान से झुके हुए हैं। यह महिला है श्रीमती उमा सचदेव। 90 वर्षीय उमा सचदेव का सेना से बहुत गहरा कनेक्शन रह चुका है। उनके पति रिटायर्ड कर्नल एचके सचदेव सेना में रह चुके हैं, वहीं उनके भतीजे सेना प्रमुख रह चुके हैं। उमा सचदेव से मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा है, उन्होंने लिखा कि आज उमा सचदेव जी से बहुत ही यादगार मुलाकात हुई। 90 साल की उम्र में भी वह जोश और आशावाद से भरी हुई हैं। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि उनके पति रिटायर्ड कर्नल एचके सचदेव सेना के सम्मानित व्यक्तित्व रह चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उमा सचदेव ने अपने स्वर्गीय पति द्वारा लिखित 3 किताबें मुझे दी हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 2 गीता से जुड़ी हुई हैं, तीसरी ब्लड एंड टीयर्स बंटवारे के दौरान के उनके अनुभवों और जिंदगी पर प्रभावों का दस्तावेज है। इस दौरान उनकी उमा सचदेव से क्या बातें हुई, इसका भी उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि उमा सचदेव से 14 अगस्त को विभाजन त्रासदी स्मृति दिवस के तौर पर मनाने के फैसले पर भी बात हुई। बता दें कि उमा सचदेव के पति कर्नल एचके सचदेव सेना में एक सम्मानित अधिकारी थे। वहीं पूर्व सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक उमा सचदेव के भतीजे हैं। वीपी मलिक सेना में 19वें प्रमुख थे और वह कारगिल युद्ध के दौरान आर्मी चीफ थे।